सो हेलो एंड वेलकम। तो आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 10 का मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 9 ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन एंड आइडेंटिटीज का थर्ड एक्सरसाइज का वीडियो जो है आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। चलिए, हमको मालूम है कि जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज जो हमने 6 पढ़ी हुई है, साइन, कॉस, टेन, सेक, कोसेक और कॉट, ये 6 के 6 रेशियोज जो होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ये जो है साइड्स को एंगल्स के साथ क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं। और दूसरा चीज हमने ये भी पढ़ा हुआ था स्टार्टिंग के वीडियो में ही कि जो भी ट्रिग्नोमेट्री होती है जिसमें भी एंगल ऑफ साइड आता है वो सिर्फ और सिर्फ आपका किसके लिए ट्रू होता है, राइट एंगल ट्राइंगल के लिए क्या होता है, ट्रू होता है। मतलब जो भी हम लोग साइन कॉस का फॉर्मूला यूज करते हैं ना वो राइट एंगल ट्राइंगल के लिए क्या होता है, एप्लीकेबल होता है। और राइट एंगल ट्राइंगल होता क्या है, एक ऐसा ट्राइंगल जिसका एक एंगल फिक्स है कितना होगा, 90 होगा, और बाकी दोनों एंगल का जो समेशन है, मतलब यहां पर जो एंगल सी और एंगल ए है इन दोनों को ऐड करने से कितना होना चाहिए, 90, क्योंकि ट्रायंगल के तीनों एंगल का समेशन कितना होता है, 180 जो है उसका समेशन होता है। तो इसीलिए ये 90 होगा और इन दोनों का समेशन क्या होगा, 90 होगा। सपोज ये एंगल मान लेते हैं थीटा है, ठीक है, ये वाला एंगल क्या है, थीटा। तो अभी मैंने आपको बताया कि एंगल ए प्लस एंगल सी दोनों मिलकर कितने होने चाहिए, 90, लेकिन इसमें से ये थीटा आ चुका है, तो ये जो ये वाला एंगल है, ये वाला एंगल आपका कितना होगा, 90 माइनस थीटा होगा कि नहीं होगा, आंसर है बिल्कुल होगा। मतलब अगर ये 30 है तो 30 और ये कितना होगा, 60, ताकि 60 और 30 दोनों मिलकर 90 हो जाए, ये दोनों 90 होंगे और ये एक अकेला 90 है, 90 प्लस 90 कितना हो जाए, 180 हो जाएगा। तो एंगल सी सपोज थीटा है तो एंगल ए विल बी 90 माइनस थीटा। अब याद करिए साइन थीटा, जो साइन होता है वो किसको किसको कनेक्ट करता है, वो आपका कनेक्ट करता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। सो इस केस में जो हमारा परपेंडिकुलर है वो हमारा ए बी है और हाइपोटेनियस हमारा कौन सा है, ए सी है। उसी तरीके से अगर मैं कॉस थीटा की बात करूं तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस को कनेक्ट करता है, तो बेस हमारा कौन सा है, बीसी साइड है, और हाइपोटेनियस कौन सा है, हमारा एसी साइड है। उसी तरीके से जो टेन थीटा होता है वो कनेक्ट करता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस को। सो परपेंडिकुलर हमारा कितना होता है, ए बी, और हमारा बेस कितना है यहां पर, बीसी। ये तीन हो गए। इनके जो रेसिप्रोकल होते हैं, जैसे साइन, साइन का रेसिप्रोकल को हम लोग किस नाम से जानते हैं, कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा किसको किसको कनेक्ट करता है, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, दैट मींस एसी अपॉन में एबी। ये सबको बताने के पीछे का रीजन है, अभी हम लोग एक कंसेप्ट समझने वाले हैं। तो सेक थीटा कॉस का रेसिप्रोकल होता है, तो ये हो जाएगा हाइपोटेनियस अपॉन में बेस, मतलब एसी अपॉन में क्या हो जाएगा, बीसी। और टेन, टेन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉट थीटा, तो यह हो जाएगा बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, इसका मतलब बीसी अपॉन में ए बी। ये 6 रेशियोज हो गए, ठीक। अब सपोज मैं इस ट्रायंगल को ना थोड़ा टिल्ट कर देता हूं, टिल्ट करना मतलब रोटेट कर देता हूं, मान लो मैं इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर देता हूं, तो रोटेट करने से मुझे क्या मिलेगा, ये 90, और अभी जो सामने वाला एंगल है ये क्या बन जाएगा आपका, 90 माइनस थीटा, और ये वाला एंगल क्या बन जाएगा आपका, थीटा। ये हो जाएगा बी, और ये घूमकर पहुंच गया सी, और ये बन जाएगा ए। हमें मालूम है कि 90 के सामने वाले एंगल को हम लोग एंगल ऑफ ट्रायंगल जो है ये मानते हैं। जैसे इस 90 के सामने थीटा था, तो इस ट्रायंगल के लिए सारे एंगल्स में देखो मैंने थीटा लिखा है। अभी 90 के सामने क्या है, 90 माइनस थीटा है, तो अभी इस ट्रायंगल का जो एंगल होगा वो ये वाला थीटा ना होकर 90 माइनस थीटा होगा। अब अगर मैं इसमें साइन थीटा लगाऊं, या साइन एंगल हमारा 90 माइनस थीटा है, तो साइन 90 माइनस थीटा, तो साइन किसको किसको कनेक्ट करता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो अभी हमारा परपेंडिकुलर क्या बन चुका है, बीसी, और अपॉन हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस कौन सा बन चुका है, एसी, ठीक। तो अब एक चीज एक और कर लेता हूं, चलिए कॉस सबको नहीं करूंगा, नहीं तो बहुत ज्यादा लेट हो जाएगा। 90 माइनस थीटा कॉस किसको किसको कनेक्ट करता है आपका, बेस अपॉन में हाइपोटेनियस को क्या करता है, ये कनेक्ट करता है। अब जरा ध्यान से देखिए, जो वैल्यू साइन थीटा की है, साइन थीटा ए बी अपॉन में ए सी, वही वैल्यू किसकी है,
कॉस 90 माइनस थीटा के है कि नहीं? बिल्कुल है, देख लो। जो वैल्यू कॉस थीटा की है वो वैल्यू किसकी है? साइन 90 माइनस थीटा की। तो उसी तरीके से टेन 90 माइनस थीटा जो होगा ना, ये कॉट थीटा के बराबर होगा, ठीक। कोसेक 90 माइनस थीटा ये आपका सेक के बराबर होगा, और सेक 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है? कॉस के बराबर होता है। तो यहां से हम कुछ फॉर्मूलेस बना सकते हैं, और वो इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेस क्या है? फर्स्ट वन इज, देखिए, जो कॉस 90 माइनस थीटा है इसकी वैल्यू कितनी होती है? साइन थीटा होती है। दूसरा, अगर इसका उल्टा दिया है तो साइन 90 माइनस थीटा किसमें कन्वर्ट होगा? आपका कॉस थीटा में। तीसरा, टेन 90 माइनस थीटा ये किसके बराबर होगा? आपका कॉट थीटा के। कॉट 90 माइनस थीटा की जो वैल्यू आएगी वही वैल्यू किसकी आएगी? आपके टेन थीटा की। अगर हम बात करते हैं सेक 90 माइनस थीटा, तो ये बराबर होता है इसके आपके कोसेक थीटा के, और कोसेक 90 माइनस थीटा ये बराबर होता है सेक थीटा। कहने का मतलब ये है कि अगर थीटा की वैल्यू मैं 20 रखता हूं तो इसका मतलब कॉस 90 माइनस 20 मतलब कॉस 70 की जो वैल्यू आएगी वही साइन 20 की भी होगी। जो कॉस 20 की वैल्यू आएगी वो साइन 70 की वैल्यू आएगी। ये वैल्यूज आपस में क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। और इसी का यूज करके हमें थर्ड एक्सरसाइज को क्या करना है? सॉल्व करना है। चलिए देखते हैं, तो सीधा हम लोग थर्ड एक्सरसाइज पर आते हैं। देखिए, एक्सरसाइज थर्ड का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल विच लाइज बिटवीन 0 and 45। अभी हमें कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू गिवन है जिसका एंगल 45 डिग्री से बड़ा है, तो हमें क्या करना है? उसको रिड्यूस करके 90 से 45 के बीच में लेकर आना है। एंगल को रिड्यूस करना है, याद रखिएगा, वैल्यू को रिड्यूस नहीं करना है। तो जैसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास साइन 56 डिग्री, चलिए सॉल्व करते हैं इसको। अगर मैं 90 माइनस लिखना चाहूं, देखिए मैं 90 में कितना माइनस करूं जिससे मुझे 56 मिल जाए, तो आप बोलोगे कि सर इसमें मतलब 90 में हम क्या करेंगे, 34 को माइनस कर देंगे, तो 34 को माइनस कर देंगे तो क्या बन जाएगा? आपका 56 आ जाएगा। आंसर है जी सर, आ जाएगा, ठीक है। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, देखिए, साइन 90 माइनस ये जो भी है इसको हम लोग मान लेंगे थीटा। अब देखिए साइन 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है? यहां देखिए, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा के बराबर होता है। तो साइन 90 माइनस 34 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? सीधा सीधा कॉस 34 लिख सकते हैं। देखिए, एंगल की वैल्यू 45 से बड़ी थी, अब ये 0 और 45 के बीच में आ गया, बस साइन का नाम बदलकर क्या हो गया? कॉस हो गया, ठीक है, समझ में आ गया। तो एंगल को जब आपको रिड्यूस करना हो तो आप साइन 90 माइनस थीटा का कंसेप्ट लगा सकते हैं। यहां पर आप उस फॉर्मूले को लिख दीजिए जिस फॉर्मूले के बेसिस पर आपने कंक्लूजन दिया है, तो साइन 90 माइनस थीटा विच इज इक्वल टू व्हाट? कॉस थीटा, ठीक है। मतलब साइन 56 डिग्री की जो भी वैल्यू आएगी वो कॉस 34 डिग्री की क्या होगी? बराबर होगी, ठीक है। चलिए सेकेंड क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए 1081, अब देखिए मैं 10 में कितना माइनस करूं, मतलब 90 में से कितना माइनस करूं जिससे मुझे 81 मिल जाए, तो आंसर है 9 माइनस करूंगा। अब देखिए 10 90 माइनस थीटा, थीटा की जगह कितना है? 9, तो उसको क्या लिख सकता हूं मैं? कॉट थीटा, कॉट, और यहां पर आ जाएगा 9 डिग्री, कन्वर्ट हो गया। देखिए एंगल की वैल्यू 0 से 45 के बीच में पहुंच गई। अगला है सेक 73 डिग्री, तो याद करिए सेक को वैसे रखिए, अब यहां डाल दीजिए 90 में कितना मैं माइनस करूं जिससे मुझे 73 मिल जाए, तो आंसर है 17 माइनस करूंगा, 17 माइनस करने से क्या मिल जाएगा मुझे? 90। तो सेक 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है? ये होता है आपका कोसेक थीटा, थीटा की जगह कितना है? 17 डिग्री। तो देखिए तीनों में एंगल की वैल्यू 0 से बड़ी और 45 से क्या हो गई है? कम हो गई है। चलिए पढ़ते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे। क्वेश्चन सेकेंड का फर्स्ट है, देखिए फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग, तो आपको पहला क्वेश्चन दिया है कॉस 80 डिग्री अपॉन साइन 10 डिग्री,
जब आपको इस तरीके का कोई क्वेश्चन दिया रहेगा जिसमें ऊपर वाला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस अलग होगा और नीचे वाले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस की वैल्यू अलग होगी, तो पहले आप कोशिश करिएगा इन दोनों को सेम बनाने का, या तो आप दोनों को कॉस कॉस बना लो या दोनों को साइन साइन बना लो। तो किसी को भी आप कर सकते हैं, जैसे कॉस 80 है, इसको मैं लिखना चाहूं तो मैं 90 में कितना माइनस करूंगा जिससे मुझे 80 मिलेगा। तो आप बोलोगे सर ये भी कोई पूछने वाली बात है, 10 माइनस करेंगे। तो कॉस 90 माइनस थीटा, याद करिए कॉस 90 माइनस थीटा विच इज इक्वल टू साइन थीटा, तो ये वाला बन जाएगा आपका ऊपर वाला साइन 10 डिग्री और नीचे वाला भी आपका क्या बन जाएगा साइन 10 डिग्री, दोनों कैंसिल हो जाएंगे और आंसर कितना आएगा, ऊपर और नीचे कैंसिल हो गए तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1 आ जाएगी। ठीक, उसी तरीके से सेकेंड क्वेश्चन को भी हम सॉल्व कर सकते हैं। इसका सेकेंड क्वेश्चन इज साइन 37 डिग्री अपॉन 2 टाइम्स ऑफ कॉस 53 डिग्री। आप ऊपर की भी वैल्यू को बदल सकते हैं, नीचे की भी वैल्यू को बदल सकते हैं, किसी भी वैल्यू को आप बदल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर मैं साइन 37 को लिखना चाहूं तो मैं 90 में कितना माइनस करूंगा जिससे मुझे 37 मिलेगा, तो आंसर है नीचे को देखकर बता दो 53, क्योंकि ऊपर और नीचे को अल्टीमेटली तो सेम होना ही है, तो आप बिना सोचे भी बता सकते हो कि 53 माइनस करेंगे। अब देखिए साइन 90 माइनस थीटा क्या बन जाएगा, आपका कॉस थीटा, थीटा की जगह 53 डिग्री। तो आप साइड में फॉर्मूले को लिखिएगा एग्जाम में, जो ये सारे फॉर्मूले है ना जिसको आप यूज करके उसमें कन्वर्ट करें, मैं नहीं लिख रहा हूं भले ही लेकिन आप लिखोगे। तो ऊपर से cos 53 नीचे से cos 53 कैंसल, आंसर कितना बचेगा 1/2 बचेगा। ठीक, चलिए तीसरे नंबर के क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड नंबर का क्वेश्चन है 3 टाइम्स ऑफ sin 17 डिग्री इनटू sec 73 डिग्री। चलिए इसका डिजाइन थोड़ा चेंज करते हैं, डिजाइन कैसे चेंज कर सकते हैं, देखिए जो sec है, sec का रेसिप्रोकल क्या होता है cos, तो sec 73 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन cos 73 डिग्री, जो है हम लोग उसको लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं, आंसर है जी हाँ। अब या तो आप नीचे को बदलिए या ऊपर को बदलिए, तो ऊपर को 2-3 बार बदल लिए, चलिए अब नीचे को बदलते हैं। तो cos जो 73 है 90 में से मैं कितना माइनस करूं जिससे मुझे 73 मिल जाए, आंसर है सर 17 माइनस कर दो। cos 90 माइनस थीटा दैट विल बी कन्वर्टेड इन टू वॉट sin थीटा, तो ये हो जाएगा आपका sin 70, दोनों कैंसल, आंसर कितना आएगा 3 आएगा। ठीक है, तो यहां पर पहला और दूसरा क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया, ये फॉर्मूला आपका पूरा एक्सरसाइज में चलेगा 6। तो sin 90 माइनस थीटा किसमें बदलता है cos में, cos किसमें बदलता है sin में, tan बदलता है cot में, cot बदलता है tan में, sec बदलता है cosec में, cosec बदलता है sec में, इस चीज को आपको ध्यान में रखना है तभी आप क्या कर पाओगे इसको सॉल्व कर पाओगे। चलिए अब इसके बाद आगे के क्वेश्चन देखते हैं, ये बहुत इजी है, ट्रिग्नोमेट्री अगर आपको बेसिक चीजें मालूम है ना, क्वेश्चन सॉल्व करना इजी है। डिफिकल्ट किन के लिए होता है, जिनको कंसेप्ट नहीं पता है, फॉर्मूले रटे हुए हैं, हर क्वेश्चन को रट देते हैं, ऐसे में बहुत सारी समस्याएं होती हैं। तो आप मैथ्स में चाहे ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर हो चाहे कोई भी चैप्टर हो, आप उसको समझेंगे तो आपसे बनने लगेगा। एक बार में समझ में नहीं आता, दो बार करिए, दो बार नहीं तो 3 बार, आजकल तो आपके पास मोबाइल है, गूगल है, यूट्यूब है, आपको मेरे से समझ में नहीं आता किसी और टीचर का देखिए, आपको नेशनल लेवल का सिलेबस और स्टेट लेवल का सिलेबस ऑलमोस्ट बराबर हो गया है। तो आप कंसेप्ट समझिए, क्वेश्चन आपको कुछ भी मिल सकता है, ठीक है, तो जरूर बनेगा आपसे। या अगर आपको लग रहा है कि कुछ और इसमें इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है वीडियो में, तो भी आप बता सकते हैं, मैं कर सकता हूं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग, अब करते हैं तीसरे क्वेश्चन पे, थर्ड का फर्स्ट, साइन 64 डिग्री माइनस कॉस 26 डिग्री, दोनों में से किसी एक को बदल दीजिए। मान लीजिए मैं साइन को बदलूंगा तो साइन 90 में से मैं कितना माइनस करूं जिससे मुझे 64 मिलेगा, तो आप बोलोगे सर 26 माइनस कर दो ना, तो साइन 90 माइनस थीटा क्या बन जाएगा कॉस थीटा, और थीटा का जगह कितना है 26, तो कॉस 26 में से कॉस 26 जाएगा तो क्या बचेगा जीरो, 1 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा जीरो बचेगा। ठीक है, उसी तरीके से सेकेंड क्वेश्चन देखिए,
थ्री टाइम्स ऑफ कॉस 80 डिग्री एंड टू कॉसेक 10 डिग्री प्लस टू टाइम्स ऑफ कॉस 59 डिग्री कॉसेक 31 डिग्री। चलिए यह जो कॉस 80 डिग्री है, यह जो कॉसेक है, कॉसेक को हम नीचे भेजकर क्या लिख सकते हैं, साइन 10 डिग्री लिख सकते हैं, क्योंकि हमने पढ़ा है कॉसेक का रेसिप्रोकल क्या होता है, साइन होता है। इसी तरीके से टू टाइम्स ऑफ कॉस 59 डिग्री है, इसमें कॉसेक को नीचे भेजूंगा तो ये क्या बन जाए, साइन 31 डिग्री जो है बन जाए। ठीक, अब बदल लीजिए तो थ्री टाइम्स ऑफ कॉस, मैं 90 से कितना माइनस करूं मुझे 80 मिले, बोलोगे सर 10 माइनस कर दो। यहां पर कॉस 90 से मैं कितना माइनस करूं जिससे मुझे 51 मिल जाए, बोलोगे 31 माइनस कर दो, नीचे तो दिख रहा है क्योंकि कैंसिल तो होना ही है। तो कॉस 90 माइनस थीटा ये बन जाएगा साइन थीटा, और थीटा की जगह 10 डिग्री, नीचे में भी है 10 डिग्री, यह हो जाएगा आपका साइन 31 डिग्री और नीचे में भी हो जाएगा साइन 31 डिग्री। ये कैंसल, ये कैंसल, क्या बचा, यहां 3 बचा, यहां 2 बचा, 3 प्लस 2 क्या हो जाएगा, आंसर 5 हो जाएगा। ठीक, ये हो गया हमारा सेकेंड क्वेश्चन। चलिए थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ, थर्ड क्वेश्चन में देखिए, टू टाइम्स ऑफ कॉस 67 डिग्री अपॉन साइन 23 डिग्री माइनस 1040 डिग्री एंड कॉट 50 डिग्री प्लस कॉस 0 डिग्री। चलिए ऊपर और नीचे में से किसी एक को तो बदलना पड़ेगा, तो कॉस को मैं बदलता हूं, तो कॉस 67 को मैं लिख सकता हूं 90 माइनस 23 और नीचे वाले को सेम रखेंगे। यहां पर मैं बदलता हूं 1040 को, तो मैं 90 से कितना माइनस करूं कि मुझे 40 मिल जाए, आंसर है 50 माइनस करेंगे और ये हो जाएगा कॉट 50। कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। ठीक है, चलिए तो कॉस 90 माइनस थीटा ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका किसमें, साइन थीटा में, और नीचे वाला तो आपका वैसी का वैसी है, ये बदल जाएगा आपका कॉट 50 डिग्री में और नीचे भी आपका कॉट क्या है, 50 डिग्री ही है, प्लस 1, ये और ये कैंसल, तो यहां बचा 2, ये और ये कैंसल, माइनस 1 प्लस 1, 2 प्लस 1 3, 3 माइनस 1 मतलब 2, तो इसका करेक्ट आंसर आएगा आपका 2। चलिए फोर्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। साइन स्क्वायर 35 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 55 डिग्री, स्क्वायर से डरने की बात नहीं है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। साइन 90 में से मैं कितना माइनस करूं कि 35 बच जाए, आंसर है 55। अब लगा दीजिए होल स्क्वायर इस तरीके से, ठीक है, और दूसरे वाले को वैसी रख दीजिए, साइन स्क्वायर 55 डिग्री, साइन 90 माइनस थीटा और कॉस स्क्वायर को आगे पीछे कहीं भी लगा लो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आइडेंटिटी से कितना हो जाएगा, 1, दोनों का थीटा 55 55 है कि नहीं, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। चलिए आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। 5 टाइम्स ऑफ साइन 35 डिग्री अपॉन कॉस 55 डिग्री प्लस कॉस 55 डिग्री अपॉन 2 टाइम्स ऑफ साइन 35 डिग्री माइनस 2 टाइम्स ऑफ कॉस 60 डिग्री। ठीक, एक एक को बदलिए, या तो ऊपर या तो नीचे को, तो मैं अगर ऊपर को बदलता हूं, देखिए साइन को साइन रखूंगा, 90 से मैं कितना माइनस करूं कि मुझे 35 मिल जाए, आंसर है 55 और ये हो जाएगा कॉस 55 डिग्री। इसको भी बदलता हूं मैं, सॉरी कॉस है तो कॉस 90 माइनस 35 और नीचे में बचेगा 2 टाइम्स ऑफ साइन 35 माइनस 2, कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2। अब ये हो जाएगा 5 टाइम्स ऑफ
साइन 90 माइनस थीटा मतलब कॉस थीटा, सॉरी 55 आ गए, ये भी 55 हो जाएगा। कॉस 90 माइनस थीटा ये बन जाएगा आपका साइन थीटा। ये टू और ये टू कैंसल, यहां बचेगा माइनस वन, ये और ये कैंसल, ये और ये कैंसल, तो यहां बचा 5 प्लस 1 बाई टू माइनस वन, 5 में से 1 जाएगा बचेगा 4, 4 प्लस हाफ, 4 टू 8, 8 प्लस 1 9, तो 9 बाई टू इसका आंसर जो है आ जाएगा। आई होप आपको ये एक्सरसाइज थर्ड का 3 क्वेश्चन जो है समझ में आ गया होगा अच्छे से। अगर कोई डाउट होगा तो आप कमेंट करके क्या कर सकते हैं बता सकते हैं, ताकि मैं उसका सॉल्यूशन जो है आपको कमेंट बॉक्स में प्रोवाइड कर दूं। कोई दिक्कत अगर होता है तो, यहाँ पर थोड़ा सा नहीं दिख रहा था राइट हैंड साइड का, इसलिए थोड़ा सा वीडियो को रोटेट कर दिया हूं, अब आपको क्लियरली दिख रहा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।